So welcome back students. Firstly, let us discuss about the questions of NCERT जो आपके body fluid and circulation chapter के end में जो NCERT के textbook question दिए हुए हैं, तो उनको discuss करेंगे बेटा. The first question is name the component of the formed element in the blood and mention one major function of each of them. So students, question में क्या कहता है? Firstly, आपने blood के जो components होते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट आपके ब्लड के अंदर होंगे बेटा, उनको आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली बताने हैं कि ब्लड जो होता है किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है. सेकंड क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स करता है कि मेजर फंक्शंस क्या होंगे उन जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिनसे ब्लड बना हुआ होता है, तो उनके मेजर फंक्शंस आपके पास क्या होने वाले हैं. दो चीजें आपसे पूछी गई हैं. सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड. आपको पता है बेटा, मैंने डिस्कस किया था चैप्टर करवाते हुए कि ब्लड आपका बना हुआ होता है बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वहां पे होते हैं. सबसे पहले आपके पास बेटा होता है इरेथ्रोसाइट्स और यू कैन से आरबीसीज और द रेड ब्लड कॉर्पसल्स. सो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल या इरेथ्रोसाइट, बेटा ये सेम चीज होते हैं बट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, इरेथ्रोसाइट, आरबीसी और रेड ब्लड कॉर्पसल्स. सेकेंड बेटा आपके पास होता है डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये सेकंड फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया. एंड थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट्स और यू कैन से ब्लड प्लेटलेट्स. सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द ब्लड प्लेटलेट्स. सो इनका ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए. देन डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. एज यू ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था आरबीसी जो होता है बेटा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रेड कलर का होता है. और रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बेटा एक रेड पिगमेंट होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. सो जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा. और आपको पता है बेटा हीमोग्लोबिन क्या वर्क करता है? हीमोग्लोबिन आपकी जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है. तो क्या बनाता है? जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है बेटा, तो आपके पास बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन मैंने बताया था HbO2 आपका बेटा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो दैट मींस बेटा आपके पास क्या होगा, जो आरबीसीज होंगे वो आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट इज बेसिकली आरबीसी. सेकेंड आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स. आपको पता है बेटा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं. ल्यूकोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो वायरस, बैक्टीरियाज या फंजाई बाहर से जो आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन एलिमेंट्स आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, तो उनसे फाइट करने का काम कौन करता है? वो आपका डब्ल्यूबीसी करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. थर्ड स्टूडेंट्स आपके पास आता है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं, बेसिकली ये आपके थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं. और मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोसाइट क्या काम करते हैं. आपका जब भी आपको किसी बॉडी के पार्ट में इंजरी होती है, मान लीजिए आपका ये हैंड है, यहाँ से इंजरी होगी तो यहाँ से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ब्लड को क्लोट करने का काम कौन करता है? आपका ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं बेटा, वो उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है बेटा, उसका आपने फंक्शन बताना है. तो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या होता है, 7-8% प्लाज्मा प्रेजेंट होती है. और दिस मेनली इंक्लूड एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन होता है बेटा. सो आपके जो बेसिकली आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से होते हैं? प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन आपके प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर? आपके पास एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होते हैं. थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन तो आपको पता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं, कंप्लीट मैंने आपको चार्ट करवाया था. प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आपके क्या काम करते हैं? बेसिकली ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं. एल्ब्यूमिन और जो ग्लोबुलिन होते हैं बेटा, ये वाटर को रिटेन करते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर और मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को. ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपके जो ब्लड का एक पर्टिकुलर यू कैन से वाटर टेंसी होती है वाटर को रिटेन करने की, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं आपके जो एल्ब्यूमिन्स और जो ग्लोबुलिन्स होते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बेसिकली आप लोगों ने मैच करना है. जैसे आपके पास कॉलम फर्स्ट दी हुई है और कॉलम सेकेंड दी हुई है, तो बेसिकली आप ओसिनोफिल्स की बात करते हैं. ओसिनोफिल दिया हुआ है, आरबीसी, ए बी ग्रुप, प्लेटलेट्स एंड सिस्टोल्स आपके पास दिए हुए हैं, तो इनको फर्स्ट कॉलम को आपको सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है.
ओसिनोफिल्स जो होते हैं बेटा आपके रेजिस्ट इन्फेक्शंस, बेसिकली ओसिनोफिल्स आपके कहाँ पे आते हैं, डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी में ओसिनोफिल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और आपके पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे बेसिकली आपका इन्फेक्शंस को कंट्रोल करेंगे और दूसरा बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। सो ओसिनोफिल्स आपके डब्ल्यूबीसी में होते हैं, इसलिए हम इसको इसके साथ मैच करेंगे, बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शन, बेसिकली इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेगा। सेकंड आपके पास स्टूडेंट कहता है आरबीसीज को मैच करना है आपने, आरबीसीज आपके बेसिकली मैंने आपको अभी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं, दैट इज बेसिकली गैस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं आपके जो आरबीसीज होते हैं। थर्ड बेटा आपके पास है ए बी ग्रुप, ए बी जो ग्रुप होता है आपका बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। दो चीजें मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट और एक आपका यूनिवर्सल डोनर। ए बी ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, दैट मींस किसी से भी ब्लड को ले सकता है, चाहे ए ब्लड ग्रुप वाला हो, चाहे बी, चाहे ओ हो या फिर ए बी ब्लड ग्रुप हो, तो किसी से भी आपका ब्लड ले सकता है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और यूनिवर्सल डोनर मैंने आपको बताया था जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल आपका डोनर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आता है प्लेटलेट्स को आपने मैच करना है, प्लेटलेट्स बेसिकली आपके कोएगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं बेसिकली, अभी हमने डिस्कस किया था ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं कोएगुलेशन और यू कैन से कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं। देन आपके पास स्टूडेंट्स आता है सिस्टोल, सिस्टोल जो बेसिकली आपकी क्या होती है, सिस्टोल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक आपके पास डायस्टोल होता है और एक आपके पास सिस्टोल होता है। सिस्टोल तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली सिस्टोल, और डायस्टोल आपके पास क्या होती है, जब आपका हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स कर जाता है उस स्टेट को बेटा हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल की स्टेट बोलते हैं। सो इस टाइप से आप मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास आता है व्हाई डू वी कंसीडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट डे में ही मैंने आपको बताया था ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये सभी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं आपके उनको कनेक्ट करने का काम करता है। सो डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स को आपका क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इसके अंदर आपके लिविंग सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, और लिविंग सेल्स में आरबीसीज आपके पास आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपके पास जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के वो आते हैं। सो ये आपका डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, मिनरल्स और जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हेल्पफुल होता है ऑक्सीजन और जो आपके पास मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द अदर पार्ट, आपके डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आपकी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ एंड द ब्लड। ये बिल्कुल मैं आपको करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स, ब्लड और लिम्फ के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ब्लड में बेसिकली आरबीसीज होते हैं, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करता हूँ, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं यहाँ पे 700 के अराउंड होते हैं और यहाँ 7500 के अराउंड होते हैं। और प्लाज्मा की बात करते हैं तो दोनों में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजन की बात करता हूँ, यहाँ पे ब्लड को क्योंकि क्लॉटिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है फाइब्रिनोजन्स की, लिम्फ को क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो इंटरनल पाथवे होता है, वहाँ पे इंजुरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए फाइब्रिनोजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता स्टूडेंट्स, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी अगर बात करें तो ब्लड की कोएगुलेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और आपके लिम्फ की कोएगुलेशन टेंडेंसी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रिनोजन जो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जब आपका ब्लड क्लोट होता है या लिम्फ क्लोट होती है तो यहाँ पे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे लेस कोएगुलेशन टेंडेंसी होती है, ब्लड क्लोटिंग की टेंडेंसी कम होती है, ब्लड के अंदर ज्यादा होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करते हैं बेटा, टू वे आपका होता है मैंने बताया था, और आपका लिम्फ जो होता है वन वे होता है, टिश्यू टू हार्ट की तरफ जाता है जो लिम्फ वाला जो आपके पास होता है, और जो ब्लड वाला होता है वो आपका हार्ट से टिश्यू और टिश्यू से हार्ट दोनों तरफ मूव कर सकता है। ब्लड आपका मैंने बताया था कि हार्ट से टिश्यू तक जाएगा, टिश्यू से आपका हार्ट तक जो बेसिकली ब्लड फ्लो कर सकता है, इसलिए टू वे आपके पास होता है ब्लड के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है। रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं, आपको पता है आपके पास पंपिंग ऑर्गन होता है पार्टिकुलर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसलिए ये फास्ट मूव करता है, और जबकि आपके पास लिम्फ के पास ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, दैट्स व्हाई ये आपका स्लो आपका मूव करता है।
ग्लूकोज यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे लेस कंसेंट्रेशन में होता है, यहाँ पे मोर कंसेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इस टाइप से ये डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स बिटवीन द लिम्फ एंड द ब्लड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय डबल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स आप 10th क्लास में भी कर चुके हो और मैंने भी आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। बेसिकली डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके मिक्स नहीं होते, वो आपके अलग अलग पार्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे आपके 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं, आपके पास क्या होता है 4 चैम्बर्स में से एक राइट ओरिकल होता है स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट आपके पास होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल होता है स्टूडेंट्स और नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सो जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट्स वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और जो आपका राइट वाला पोर्शन होता है वो आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा मिक्सिंग नहीं होती। ह्यूमन बींग के केस में 4 आपके पास चैम्बर्स होते हैं, बट मैं फ्रॉग की अगर बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, वहां पे बेटा 2 ओरिकल्स होते हैं और एक आपका वेंट्रिकल होता है। यहां से आपके पास राइट ओरिकल से फ्रॉग के केस में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आता है राइट वाले से। लेफ्ट वाले से बेटा आपके पास लेफ्ट ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहां तक तो बेटा ये दोनों सेपरेटेड रहते हैं, लेकिन जब वेंट्रिकल तो एक ही है फ्रॉग के पास में क्योंकि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ पे बेटा दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। ये आपका इनकम्प्लीट टाइप का जो डबल सर्कुलेशन होता है। सो डबल सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस क्या होती है, आपको पता है बेटा अगर ब्लड मिक्स नहीं होगा, अलग ऑक्सीजनेटेड अलग ट्रांसपोर्ट होगा और डी ऑक्सीजनेटेड आपका अलग ट्रांसपोर्ट होगा, तो इससे क्या होगा बेटा आपके पास जो बेसिकली मिक्सिंग नहीं होगी, तो आपके पास मिक्सिंग नहीं होगी तो इसके कारण क्या होगा, आपको हाई एनर्जी आपके पास हाई एनर्जी सप्लाई होगी, हाई ऑक्सीजन सप्लाई होगी। तो बेसिकली आपके जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं बेटा, आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं, आपको हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए और हाई ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए होता है। डबल सर्कुलेशन के कारण क्या होता है स्टूडेंट, मिक्सिंग नहीं होती और आपको हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे बेटा एक चार्ट दिखाया हुआ है, वही जो मैंने आपको प्रोसीजर बताए हैं, राइट आर्ट्रियम होता है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वही आपके बॉडी पार्ट्स तक आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी पार्ट्स तक, फिर ये ऑक्सीजन यूज कर लेंगे आपके जो टिश्यूज होते हैं ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा, डीऑक्सीजनेटेड राइट आर्ट्रियम में चला जाएगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास चला जाता है ऑक्सीजनेशन होने के लिए, यहां से लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाती है बेटा प्लस O2 हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में वापस आ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी टिश्यूज, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। सो स्टूडेंट्स जो आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल लंग्स और जो लेफ्ट आर्टम के बीच में जो सप्लाई होता है, दैट इज बेसिकली प्लमनरी सर्कुलेशन। प्लमनरी का मतलब आपके लंग्स होते हैं, सो लंग्स वाला जो सर्कुलेशन होगा दैट इज बेसिकली प्लमनरी सर्कुलेशन, और जो राइट आर्टम बॉडी पार्ट्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा दैट इज बेसिकली सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो तीन टाइप का सर्कुलेशन मैंने बताया था, प्लमनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और नेक्स्ट मैंने आपको हार्ट से रिलेटेड जो वाल्स होती हैं उसमें सर्कुलेशन आपके साथ डिस्कस किया था। सो बेटा क्लियर है सेजल आपको? सेजल आर यू लिसनिंग मी? सो ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं बेटा। राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल एंड पी वेव एंड द टी वेव। ब्लड और लिम्फ का स्टूडेंट डिफरेंस हम फिफ्थ क्वेश्चन में आई थिंक कर चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ब्लड और जो बेटा आपका लिम्फ जो होता है उसके बीच में डिफरेंसेस को मैंने डिस्कस किया था, सेम वही आपने करने हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कहता है ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, ओपन और क्लोज जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं बेटा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
कहने का मतलब क्या है क्लोज सर्कुलेशन का? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां पे बेटा आपके पास पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, आपके पास पर्टिकुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, दैट इज बेसिकली हार्ट होता है पंपिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास ब्लड होता है जिसको आपने पंप करना है, बॉडी फ्लूड जो होगी दैट इज बेसिकली ब्लड होगा। और थर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपके पास प्रेजेंट होंगी। सो हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है, ब्लड को हम सप्लाई करते हैं दैट इज बेसिकली बॉडी फ्लूड। एंड नेक्स्ट आपके पास बॉडी वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। लेकिन ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे ओपनली प्रेजेंट होता है, कोई वहां पे यू कैन से कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। डायरेक्टली आपके जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो ब्लड के अंदर डीप होते हैं, ब्लड के अंदर डीप होंगे तो वहां से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, कोई पर्टिकुलर वहां पे स्पेशलाइजेशन नहीं होती डिफरेंट ऑर्गन्स की। सो दैट इज बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो डिफरेंसेस की अगर बात करें स्टूडेंट, ब्लड फ्लो थ्रू आउट ओपन टिश्यू स्पेसेस द सिनसिस, और ओपन को हम सिनसिस बोलते हैं। डायरेक्टली आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डीप होते हैं ब्लड के अंदर इन द केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन क्लोज के अंदर ब्लड फ्लो इन क्लोज्ड ट्यूब्स, क्लोज ट्यूब क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। क्लोज ट्यूब के अंदर आपके पास ब्लड मूव करेगा इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंस होता है स्टूडेंट, ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू सेल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा बेटा, लेकिन क्लोज्ड वाले में आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता। ब्लड वेसल्स और यू कैन से ब्लड वेसल्स में आपके पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू में कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट नहीं होता कभी भी। थर्ड डिफरेंस आता है स्टूडेंट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अकर डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे तो डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते इस केस में आपके क्लोज वाले में, तो यहाँ पे टिश्यू फ्लूड के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, बेसिकली एक्सचेंज होता है गैसेज और मिनरल्स का। ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है पंपिंग के लिए ओपन वाले में। क्लोज वाले में आपका रैपिड फ्लो करेगा क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट है पंपिंग के लिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हार्ट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इफ प्रेजेंट इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, नो रेड ब्लड कॉर्पस्कल, यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते, कोई पिगमेंट नहीं होता, यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज बेसिकली हीमोग्लोबिन, और आपके पास रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी ओपन क्लोज वाले के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अकर्स इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास, आर्थ्रोपोड और मोलस्का में प्रेजेंट होता है ओपन वाला, और जो आपके पास क्लोज वाला होता है जितने भी वर्टिब्रेट्स और एनिलिडास आते हैं, एनिलिडास जो होते हैं बेटा एनिलिडास के अंदर जितने भी आपके पास जो अर्थवॉर्म वगैरह हो गई और जो आपके वॉर्म्स बेसिकली एनिलिडास के अंदर आते हैं, वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है लाइक ह्यूमन बींग्स और जितने मैमल्स होते हैं सभी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कास क्या होते, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट की कैटेगरी आती है और मोलस्कास आपके पास बेसिकली जो वाटर के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सॉलिड आपके पास जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके अराउंड में। सो ये बेटा हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को। अभी तक आपने ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को याद रखना है किस ऑर्गेनिज्म में कौन से वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में डिफरेंसेस आपने बताने हैं। सिस्टोल डायस्टोल, बेसिकली सिस्टोल होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोल होता है कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। सो सिस्टोल कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और बेसिकली आपके पास जो डायस्टोल होती है वो आपकी रिलैक्सेशन होती है। सो यही आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है पी वेव और टी वेव के बीच में आपने डिफरेंसेस बताने हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पी वेव एंड द टी वेव। जो आपके पास बेटा मैंने ECG करवाया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मैंने करवाया था, उसमें पी वेव और टी वेव के बीच में आपने डिफरेंसेस बताने हैं। सो पी वेव और टी वेव में क्या डिफरेंस होता है? पी वेव इज अ स्मॉल अपवर्ड वेव ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दैट इंडिकेट द आर्टेरियल डिपोलाइजेशन और यू कैन से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरिया। सो ये कॉन्स्ट्रिक्शन को बताएगी आर्टेरिया के, और आर्टेरियल डिपोलाइजेशन भी जिसे बोलते हैं उसको पी वेव आपकी बताती है। इट इज कॉज बाय द एक्टिवेशन ऑफ SA नोड, साइनो आर्टेरियल नोड जो मैंने बताई थी उसकी एक्टिवेशन के कारण आपके पास डीपोलराइजेशन होती है, कॉन्स्ट्रक्शन होती जाती है आपकी आर्टेरिया की। टी वेव आपकी डोम शेप वेव होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, विच रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को ये रिप्रेजेंट करती है। सो पी वेव आपकी क्या करती है? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन और यू कैन से कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टेरिया को रिप्रेजेंट करती है, और जो टी वेव होती है वो आपकी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को आपके पास रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी टी वेव होती है। सो आपके पास अगर मैं
बेसिकली अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखें स्टूडेंट्स हम लोग, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये बेटा जो आपका पी वाला पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन जो होता है, दैट इज बेसिकली फॉर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, यानी आपके पास कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द राइट आर्ट्रियम। क्योंकि राइट आर्ट्रियम में बेटा मैंने आपको बताया था, यहाँ राइट आर्ट्रियम में साइनो आर्ट्रियल नोड प्रेजेंट होती है इस कॉर्नर में, और जो राइट आर्ट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है बेसिकली आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से, और इससे ग्राफ बनेगा दैट इज बेसिकली पी वेव जो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट होगी वो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए रिप्रेजेंटेबल होगी। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट टी वेव पूछा था, तो टी वेव आपके पास ये वाली वेव होती है, लास्ट जो वेव होती है ये आपकी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन को आपके पास रिप्रेजेंट करती है। सो यहां तक कंटिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द हार्ट अमंग द वर्टिब्रेट्स। इवोल्यूशनरी चेंजेस आपने बताने हैं बेसिकली आपके हार्ट के पैटर्न के अंदर वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में। सो वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, सिंगल हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, सिंगल हार्ट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो सिंगल हार्ट प्रेजेंट होता है, होलो होता है, मस्कुलर ऑर्गन कंपोज ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। तो यहाँ पे होलो होगा, मस्कुलर ऑर्गन होगा और कार्डियक मसल फाइबर से बना हुआ होता है। सो टू टाइप्स ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट आर आर्ट्रिया और वेंट्रिकल। दो टाइप के चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट के अंदर, आर्ट्रिया होता है और बेसिकली आपके पास क्या होता है आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल। ये आपके पास आर्ट्रियम होते हैं दो, लेफ्ट और राइट में, और ये आपका राइट और लेफ्ट में यू कैन से आपके पास वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आप ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल ले सकते हो, जितना भी आप ह्यूमन बींग्स के बारे में हार्ट के बारे में जानते हो वो कम्प्लीटली लिख सकते हो। सिंगल हार्ट होता है आपके पास, कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दो चैम्बर्स होते हैं, फर्दर आपके आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइडेड होते हैं, टोटल फोर चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हार्ट ऑफ लोअर वर्टिब्रेट हैव एडिशनल चैम्बर्स नेमली साइनस जिसको विनसस बोलते हैं, कोनस आर्ट्रोसस, बल्बस आर्ट्रोसस एंड ट्रंकस आर्ट्रोसस। तो इनका जो लोअर वर्टिब्रेट होते हैं स्टूडेंट उनके अंदर अलग तरीके से आपका जो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जैसे साइनस वेनोसस होता है, कोनस आर्ट्रोसस, बल्बस आर्ट्रोसस और ट्रंकस आर्ट्रोसस वहां पे प्रेजेंट होते हैं लोअर वर्टिब्रेट की कैटेगरी के अंदर। सो ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट हायर वर्टिब्रेट द प्रसिस्टेंट पोर्शंस लाइक ओरिकल एंड वेंट्रिकल आर रिटेन्ड। जब आपके पास बेटा लोअर जो आपके पास वर्टिब्रेट होते हैं उनसे हायर वर्टिब्रेट बने इवोल्यूशन के दौरान, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बेटा हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मंकीज से बने हुए हैं, एप से बने हुए हैं, ये आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपका इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है जैसे बेटा आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग जो करेक्टर आपके लिए यूजफुल होते हैं आपकी स्पीसीज के लिए वो आपके रिटेन रहते हैं, और जो करेक्टर आपकी स्पीसीज के लिए यूजफुल नहीं होते हैं बेसिकली वो आपके इवोल्यूशन के दौरान आपके सैड ऑफ हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो बेसिकली आपने इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बतानी है, सबसे पहले आप लोअर इन वर्टिब्रेट्स की बात करोगे, इन्होंने वर्टिब्रेट्स के अंदर पूछा है, तो लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जिनको साइनस वेनोसस और कोनस आर्ट्रोसस, बल्बस आर्ट्रोसस और ट्रंकस आर्ट्रोसस बोलते हैं। तो ये चैम्बर्स बेटा आपके लिए यूजफुल नहीं थे, जब आपकी डेवलपमेंट होगी लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आपके पास इवोल्यूशन होगा तो उस दौरान क्या होगा, ओरिकल और वेंट्रिकल ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी आपके रिमूव आउट हो जाते हैं जितने भी ये साइनस विनोसस और जो एडिशनल चैम्बर्स आपके पास दिखाए हुए हैं, जब इवोल्यूशन के दौरान ये आपके रिमूव आउट हो जाते हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाउएवर दिस गेट कॉम्प्लिकेटेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्वल वॉल्स इनसाइड देन बिकेम कॉम्पार्टमेंटल सेट। सो बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास चार चैम्बर्स बचे इनके अंदर डिफरेंट टाइप की वॉल्व्स प्रेजेंट हो जाती हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स के केस में आपके पास वॉल्व नहीं होती हैं, जाती हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपके पास बाइकस्पिड वॉल्व होती है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, चैम्बर्स तो कम हो जाते हैं जब लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। आपके पास जो वाल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे आ जाती हैं। सो ये आपकी इवोल्यूशन के दौरान जो चेंजेस होते हैं ये हार्ट के अंदर इस टाइप से होते हैं। बेसिकली बेटा अगर हम फिसिस की बात करते हैं, मैंने फिसिस का एग्जांपल आपको पहले ही दे रखा है, फिसिस के अंदर आपके पास एक ओरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है, और बेसिकली हार्ट वन डायरेक्शन के अंदर पंप करता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ फिसिस।
और बेसिकली अगर हम फर्दर मूव करते हैं, क्रोकोडाइल बर्ड एंड मैमल्स हैव कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल के अंदर आपके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, बर्ड्स के अंदर भी, मैमल्स के अंदर भी। यहाँ पे कंप्लीट आपके पास क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती, और बेसिकली मिक्सिंग नहीं होगी तो इससे ऑक्सीजनेटरी और डिक्सीजनेटरी ब्लड अलग से ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे आपके पास हायर एनर्जी की जो नीड होती है हायर वर्टिब्रेट्स की, वो कंप्लीट हो जाती है। सो आपने यही एग्जांपल देने हैं बेटा कि लोअर वर्टिब्रेट से आप हायर वर्टिब्रेट की तरफ जाओगे तो लोअर के अंदर जो एडिशनल चैम्बर्स थे हायर की तरफ जाते हुए वो आपके रिमूव हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, वॉल्स वहाँ पे आ जाती हैं, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्स वहाँ पे आ जाती हैं। फिर आप फिशिज का एग्जाम्पल दोगे, फिशिज के अंदर आपके पास दो चैम्बर्स होते हैं, वन ओरिकल वन वेंट्रिकल होता है, और बेसिकली ये आपका फर्दर जब हम मूव करते हैं क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल की तरफ तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास बेसिकली चार चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, जो कि बेसिकली आपका मिक्सिंग नहीं होने देता ब्लड की, और मिक्सिंग नहीं होगी ऑक्सीजनेटरी और डिक्सीजनेटरी की तो आपके पास एनर्जी जो होती है बेटा हायर ऑर्गेनिज्म की एनर्जी नीड पूरी हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो जाती है। So moving to the next question, why do we call our heart as myogenic? अब हमारे हार्ट को बेटा हम myogenic heart क्यों बोलते हैं? The heart of molluscs and vertebrate including human beings is called myogenic. It means that heartbeat is initiated in heart itself by a patch of modified heart muscle called sinoatrial node or pacemaker which lies in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena. क्योंकि हार्ट जो होता है बेटा आपका मॉडिफाई हो जाता है हार्ट मसल्स के द्वारा, साइनो आर्टेरियल नोड आपकी एज अ पीस पेस मेकर आपका वर्क करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करती हैं स्टार्टिंग में, तो इस टाइप से आपके पास मायोजेनिक हो जाता है। बेसिकली जो आपके पास पेस मेकर और जो सुपीरियर वेना केवा के पास जो प्रेजेंट होता है राइट आर्टेरियम के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे बेटा चार चैम्बर्स अगर हम बनाएं तो जो राइट आर्टरीम होता है यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है, यहाँ पे आपका साइनो आर्टेरियल नोड प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई आवर हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। वैसे आप स्टूडेंट्स मायो वर्ड का मतलब होता है मसल्स और जेनिक का मतलब होता है जनरेशन, बेसिकली मसल से जनरेट होता है हमारा हार्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। साइनो आर्टेरियल नोड की बात करते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ आवर हार्ट, व्हाई? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपके पास जो साइनो आर्टेरियल नोड होती है, ऐसे नोड जो होती है उसको पेसमेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा स्टार्टिंग जो होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं वो आपके कहां से होते हैं? राइट आर्टेरियम के कॉर्नर पे साइनो आर्टेरियल नोड प्रेजेंट होती है, जहां पे सुपीरियर वेना केवा आपके पास बेसिकली ओपन होती है, यहां से जनरेशन स्टार्ट होता है पोटेंशियल का, ये स्टार्ट करता है पोटेंशियल को जनरेट करना, दैट्स व्हाई इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड एंड आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल इन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट? एवी नोड का आपने फंक्शन बताना है और एवी बंडल का आपने फंक्शन बताना है बेसिकली। सो जो एवी एवीएन जो होता है बेटा आर्टेरियो वेंट्रिकल नोड होती है, बेसिकली ये क्या काम करती है, दिस इज कॉल्ड एज पेस सेटर ऑफ द हार्ट, उसको बेटा हम ऐसे नोड को तो पेस मेकर बोलते हैं, और जो आपका एवी नोड होती है इसको पेस सेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंपल्सिस जो ऐसे नोड से आती है बेटा उसको आपके क्या करते हैं, सेटल डाउन करने का काम करती है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल और बंडल्स में सप्लाई करती है, हीज फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर सप्लाई करने का काम करती है। सो एवियन बंडल का एवियन बंडल के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सो जैसे स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे मैंने आपको जैसे ऐसे नोड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऐसे नोड से जब सिग्नल जाएंगे तो बेटा वो आपके जाते हैं एवियन नोड के पास में, ये एवियन नोड होती है यहाँ पे जाते हैं, फिर एवियन बंडल में जाते हैं, वहां से आपका हीज फाइबर जो होते हैं वहां पे चले जाते हैं, पोटेंशियल जो होती है हीज फाइबर से आपके पास यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ मूव कर जाती हैं। सो बेसिकली इस टाइप से आपका जो एवीएन नोड होता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जो नोड होती है बेटा ये आपकी पेस सेटर होती है, जो ऐसे नोड पेस मेकर होती है, ये पेस को जनरेट करेगा या पोटेंशियल को जनरेट करेगा, ये पोटेंशियल को मेंटेन करती है और इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर लेफ्ट राइट पोर्शन के अंदर एवीएन नोड और एवीएन बंडल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ यू कैन से आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल्स।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, डिफाइन अ कार्डियक साइकिल एंड द कार्डियक आउटपुट। आपने कार्डियक साइकिल को डिफाइन करना है और कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था, बेसिकली आपके पास जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं आपके हार्ट के अंदर, रिपीटेड साइकली जो आपके पास रिलैक्सेशन होती है, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, फिर आपके पास रिलैक्सेशन और फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जो सिक्वेंशियल इवेंट आपके हार्ट के अंदर होते हैं उस प्रोसेस को बेटा हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है? सो आपके पास जो कार्डियक आउटपुट होता है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। एक मिनट के अंदर आपका हार्ट कितना ब्लड आपका ट्रांसफर कर पाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन की बात करते हैं बेटा, 0.1 सेकंड आपके पास होती है। पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल आर्टेरियल सिस्टोल के अंदर 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर 0.3 सेकंड एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकंड। सो कंप्लीट साइकिल जो होता है बेटा आपके हार्ट को कंप्लीट रिलैक्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए आपके पास 0.8 सेकंड ही रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें से 0.1 सेकंड आपकी आर्टेरियल सिस्टोल के लिए यूज होती है, 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए यूज होती है और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल के लिए 0.4 सेकंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इस टाइप से आपके पास बेटा जो कार्डियक साइकिल होता है। और आउटपुट की बात करते हैं तो एक मिनट के अंदर आपका जो है जो हार्ट कितना ब्लड पंप कर पाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। सो बेसिकली आपके पास, आपको पता है 72 टाइम्स आपका एक मिनट के अंदर हार्ट पंप करता है और अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड पर बीट ट्रांसफर करता है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कार्डियक आउटपुट आपके पास 5000 या 5 लीटर के अराउंड आपके पास आती है, 5000 ml और 5 लीटर के अराउंड आपके पास आ जाती है कार्डियक आउटपुट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक्सप्लेन द हार्ट साउंड। मैंने दो टाइप की साउंड बताई थी बेटा, आपके पास एक लव साउंड होती है, एक आपके पास डब साउंड होती है। सो देयर इज लव एंड द डब साउंड प्रेजेंट इन द हार्ट। लव साउंड बेसिकली आपके पास नॉट वेरी लाउड, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है और क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से बेसिकली ये बनती है। जैसे हम डब साउंड की बात करते हैं, ये आपकी पिथ्ड होती है, लाउडर होती है, शार्पर होती है और बेसिकली सेमिनर वाल्व्स जो होती हैं उसके आपके क्लोजर के कारण जो आपके पास जो है डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपने याद रखना है लव साउंड यहाँ पे टब नहीं है बेटा, ये लव है। सो लव साउंड जो होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के कारण बनती है, लो होती है, लाउड नहीं होती है। डब साउंड लाउड होती है, शार्पर होती है, शॉर्टर होती है और सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती है बेटा उनकी क्लोजिंग के कारण आपके पास जो डब साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। सो आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हो इन साउंड्स को मेजर करने के लिए? स्टेथोस्कोप जो होता है बेटा आप वो यूज करते हो इन साउंड्स को मेजर करने के लिए। सो ड्रा अ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट्स इन इट। आपने क्या करना है, ईसीजी को ड्रा करना है और डिफरेंट सेगमेंट्स को आपने बताना है। सो जब आप ईसीजी को ड्रॉ करोगे बेटा, आपके पास पी, क्यू, आर, एस एंड टी वेव्स, तो तीन टाइप की वेव्स आपके पास आती है। क्यू, आर, एस आपके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आपके पास ये बेसिकली आपके सबसे लार्जर जो होती है आपके पास वेव जनरेट होती है। पी वेव आपकी मैंने बताया था आर्टेरियल डिपोलराइजेशन के लिए, टी वेव आपकी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए और क्यू आर एस वेव आपकी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए यूजफुल होती है। सो आपने इस टाइप से इनके फंक्शंस बताने हैं और एक इस ईसीजी ग्राफ को आपने ड्रॉ करना है। सो सेजल क्लियर हो गया आपको सभी क्वेश्चंस? Sejal, are you listening me? So, okay, students, आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है रिलेटेड टू द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं। कोई डाउट हो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स तो आप लीव कर सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।